हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और देखो ये बज रहे हैं 1:15 रात के, और ये देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। और यहाँ हमारी मम्मी, हाँ 12:40 हो चुके हैं, और यहाँ हमारी मम्मी अभी तक लगी हुई हैं। जो हम लोग राशन लेकर रख के आए थे ना, वो सारे डिब्बों में फिल किया है, और जो भी एक्स्ट्रा सामान टंकियों में पड़ा हुआ था वो भी रखा गया है। तो टाइम ज़्यादा लग गया, और यहाँ पे देखो अभी तक लगी हुई है ये। सुबह रख जाता सामान, भर दिया मैंने, बस फ्री हो गई है। वही तो मैं कह रही हूँ, सुबह भर जाता तो सही रहता। लेकिन ये क्या सुनती है, मम्मियाँ सारी ऐसी होती हैं जो कि रातों में लगी रहती हैं और सुबह फिर जल्दी से उड़ जाती हैं। पास्ता वास्ता सब भर दिया सारा जो, हाँ ये भी सही है, रात में फ्री हो गए, रात में दम आप नहीं निपटा दिया। अगर सुबह फिर वही जल्दी जल्दी सब कुछ रहता है, काम वाम करना, तो इसलिए जो मम्मी ने सोचा कि चलो रात में ही सारी चीज़ें निपटा देते हैं। अभी कुछ दालें वाले हैं तो वो बेसन बनवाई है ना मम्मी, इसलिए दाल ज़्यादा लेकर के आई हैं, चने की दाल ज़्यादा लेकर के आई क्योंकि उनको बेसन पिसवाना है। तो कर ले थोड़ी मिर्च भी लेके आए हैं, मिर्च मतलब जो है गीली थी तो वो सुखाने के लिए ऊपर धूप में डालेंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि रात के टाइम में जो है ना। नहीं हाँ वो तो रखी है, ये मोटी पीसते ना अपन कढ़ी वगैरह के लिए, तो ये मम्मी लेकर के आई थी ये वाली मिर्च। तो ये जो है ना रात के टाइम में दुकान वाले जो है गीली कर देते हैं थोड़ी सी, तो वो हल्की सी सुखानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद जो है उनके जो डंडियाँ होती हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद मम्मी मिक्सर में यहीं पे हल्की दरदरी सी पीस देंगी, क्योंकि वो कढ़ी वगैरह में डलती हैं या और भी चीज़ों में डलती हैं ना, जिसमें हमें लालपन नहीं चाहिए होता है, सूखी सब्जियों में डलती हैं तो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे अभी वही कर रही हैं। ये मिर्ची थोड़ी सी सुखानी पड़ेगी क्या, कैसी पिस जाएगी? थोड़ी सूखी ज्यादा गीली है। अच्छा तो वही तो वो तो कर देते हैं रात के टाइम में गीली। अगर सबको दिखाऊं मैं, आप लोगों को, सब लोग सो चुके हैं, यहाँ पे हमारे पापा सो रहे हैं और आगे हॉल में हैं। जग रही हूँ, जग रही हूँ। सब सो गए लेकिन हमारी मछलियाँ नहीं सोई हैं, वो जागती रहती हैं। बड़ी लाइट बंद कर दूँ? दोनों ही कर दी, चलो हो गया। और यहाँ आज तो हुरैन भी सो गई है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से डायरेक्ट सुबह में, और बस यहाँ पर भी सारे कपड़े जो है ऊपर से सूख करके आ गए, तो उसको फोल्ड करके रखना है। हुरैन को भी रेडी करके आगे भेज दिया है, तो वो खेल रही है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, एकदम चुभने वाली गर्मी है। और वैसे जो है मार्च लास्ट तक या अप्रैल स्टार्टिंग तक गर्मी आती थी, लेकिन इस बार जो है फरवरी में ही स्टार्टिंग में ही गर्मी आ गई। बहुत तेज़ गर्मी है, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं हो रहा, ऊपर छत पे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि चुभने वाली धूप है एकदम। बस चलो उनको रखती हूँ, रेंट के कपड़े हैं, सारा रूम थोड़ा सा ठीक कर दिया है। और मुझे एक चीज़ और करनी है, हाँ इनके लिए एक मुझे ब्लैंकेट और निकालना है, मेरा पिंक वाला जो कि रखा है आगे वाले कमरे में, मतलब जहाँ पे पापा सोते हैं उस वाले दीवान बेड में रखा हुआ है, तो वो वहाँ से निकलवाना है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, रजाई वगैरह ओढ़ती नहीं है। तो ये बोल रहे थे कि मेरे लिए वही वाला कंबल निकाल देना, तो बस अभी वही निकालूंगी। और सारे वूलन कपड़े जो भी हैं वो सारे धुल करके
रखने हैं मुझे अंदर, और उसके बाद फिर मैं बेड के अंदर डालूंगी क्योंकि जगह की कमी है, तो मुझे सारी चीज़ें जो है ऐसे ही एडजस्ट करके चलनी पड़ रही है अभी तो, क्योंकि अभी सर्दियों वाले कपड़े अब ज़्यादा यूज़ तो होंगे नहीं, सिर्फ रेंट के ही थोड़े बहुत रखे हैं मैंने, कुछ कपड़े तो मैंने उसके उठा कर रख दिए हैं, तो इनके जो कपड़े हैं वो मुझे धुल करके रखने हैं, इनकी जैकेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी टोपा ओपा ये तो लगाएंगे नहीं, सारी चीज़ें जो है उठा कर रखूँगी। गला ख़राब हो रहा है तो हो रहा है, तो तैयार होकर आगे जा चुकी हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। हेलो हेलो देखो क्या है ये, देखो क्या कर देखो, जांच पड़ताल करके लेके आए उसको, कि सुसु बॉडी कर दी ये आ गया बस रो नहीं, क्या कुछ खाता है आप, खेलो करोगी ना, देख हंसी भी रही और रो भी रही, दोनों एक्सप्रेशन हो रहा है डर लग रहा है, अरे ये स्किन पकड़ के ऐसे खींच दे रही है उसकी, उसे गोदी में तो ले ले, ऐसे कर लो ऐसे, डैडी नहीं है, डैडी नहीं है, क्या कह रहा हूँ, क्या है ये, इसको देख रही हो, ये क्या है वो, देखो तो वाओ, अब वो ये कौन है नहीं, वाओ क्यों, क्या कहना चाहोगी करो उसके बारे में, किसके बारे में, करो उसके बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो आप, दो शब्द दो शब्द इससे मुझे ये क्या कहना चाहता है जो खरगोश लेकर आया है, ये तेरा खरगोश है, ये लाया है जी, मेरा तो है, इतु इतु पसंद है खरगोश, खाने के लिए गुरु को उठते साथ सरप्राइज मिल गया, ठंड में डरते डरो नहीं है, हम तो प्यार कर रहे हैं, उंगली काट लेते हैं, मेरी काट दी थी, ये व्हाइट कलर का खरगोश था, कब तो रिया वो ऐसी कर सांस लेते हैं, इन्हें फ्रिज में रख दिया था खरगोश, हां ऐसी करते हैं वो, फ्रिज में क्या उसके आइसक्रीम बना दी आपको, बिल्ली की वजह से रख दिया था मैंने, देखो को सामान तो लेट गया उसकी गोद में, कुछ भी तो हो रही हो, इसको भी देखे ज्यादा खुश हो रही, इससे शॉर्ट वीडियो बना रही है, शॉर्ट इससे डर रही नहीं है, पानी करो पानी, ये क्लैपिंग अच्छा है ना, आपके लिए मंगा देंगे अच्छा है, बिना अपन बहुत मचाएंगे, गंदे करते हैं बहुत, गंदी ऐसे एक आध घंटे खिला लिया और वापस कर दूं, मेरे पास भी था वाइट वाला, छोड़े आए थे पापा, बहुत गंदी, पेशाब नहीं करना, चाटा है वाली, नहीं नहीं चाचा ले आए थे, फिर वो बे आ गए, गुरु की बनानी है मेरी, नहीं सात आठ बच्चे उस पे इंस्टाग्राम पे, हां बड़े दीदी इसके पापा की, हां नहीं ऐसे चाचा देखो उसको कुछ बोलो, गोदी
गोदी लो, बुरी कर रही है। कौन करती है तो? कान खींच रहे। नहीं 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 टेडी समझेगी, मतलब टेडी समझ रही। पिचकार भी रही है। वो उसका पैर चाटा था। खा रहा है। पैरी पैरी चाटा। ले लो बोझी ले लो। मारी नहीं जाता। अच्छा? नो। बस बस। हैं? तू कौन आवाज निकाल रहा है? निकाल ली तो। हैं? जा खोलेगी उसकी। सबकी आंखों में वो सुसु निकाल कर डर के मारे हो। जी कर उसकी आवाज निकाल रही है। साहिबा घूमती रहती।